बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 8। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मॉल साइज एटम्स हैव न्यूक्लियर चार्ज, यानी एटम्स जिनका स्मॉल साइज होता है तो उस पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का जो एटॉमिक साइज है वो 186102 PM होता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो है 1.74। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 851 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम, सोडियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 883 सेंटीग्रेड। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, दैट इज 496। उसके बाद है कलर ऑफ फ्लेम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम जब जलता है तो उसका जो फ्लेम है, शोला है, वो कैसा होता है, वो ब्रिक रेड है, ठीक है। कलर ऑफ फ्लेम ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के फ्लेम का जो कलर है, शोला, वो कौन सा है, तो वो गोल्डन येलो है, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो सेकंड वो है वो क्या है, दैट इज 1450। उसके बाद है सोडियम पोटाशियम अलाय, यानी सोडियम और पोटाशियम के जो धातु है इज़ यूज्ड इज न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज़ होती है वो क्या है, वो कोलेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन यूज होता है किस में, ये थर्माइल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट की जो बेहतरीन कंडक्टर है वो क्या है, आर्जेंटम, ठीक है, सिल्वर, Ag। उसके बाद है सिल्वर टॉर्निशेज इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स की मौजूदगी में क्या रखता है, उसमें सल्फर मौजूद होता है। द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है वो कौन सा है, वो Au है, ठीक है। उसके बाद है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड यानी गोल्ड की जो प्योरिटी है वो किससे चीज़ से ज़ाहिर होती है, वो कैरेट से, ठीक है। व्यूअर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे, और इंशाल्लाह मज़ीद भी हम आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लेके आते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।